दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि सिंगल कॉलम कैश बुक में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड होते हैं। यानी कि क्या पेमेंट है कैश से और क्या रिसिप्ट है कैश से, ओनली कैश का ही हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शन। दोस्तों, मैं जो आज आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बताने वाला हूँ, इसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से आप क्वेश्चन देखेंगे और आपका जो है सिंगल कॉलम कैश बुक बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए। डेफिनेटली आप बहुत जल्दी सीखेंगे और बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज जो मैंने इलस्ट्रेशन लिया हुआ है, ये हनीफ एन मुखर्जी के बुक से लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट अप ए ट्रेडर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1997 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल फिगर्स इन रुपीज़। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक ट्रेडर से वो सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन करता है। तो किस ईयर का है ये? 1997 का है और अप्रैल मंथ का है। तो इस मंथ में ट्रांजेक्शन दी हुई है कि उसने बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन किए हैं और क्या रिसिप्ट किया है, क्या पेमेंट किया है, और जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं सभी कैश से हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि सिंगल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आप लोग पहले बना लीजिए। सबसे पहले हम लोग कॉलम जो बनाएंगे वो डेट का कॉलम खींचेंगे, फिर सेकंड कॉलम जो होगा वो पर्टिकुलर्स का होगा, और थर्ड कॉलम जो होगा ये वाउचर नंबर यानी कि वीएन नंबर होता है, वाउचर नंबर का होता है। फिर फोर्थ कॉलम जो होता है वो एलएफ का होता है यानी कि लेज़र फोलियो जिसको हम लोग कहते हैं। और फिर फिफ्थ कॉलम जो होता है वो अमाउंट का होता है। फिर इसी तरह ये डेबिट साइड हो गया, फिर इसी तरह आप क्रेडिट साइड कर लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। दोस्तों, मैं पहले आपको ये बता दूं कि कैश बुक अगर हम लोग बनाते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक जब बनाते हैं, तो उसमें जो ट्रिक जो काम करती है, जो ट्रिक होता है वो ये ट्रिक होता है कि जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में हम लोग रिसिप्ट वाली एंट्री करते हैं और क्रेडिट साइड में हम लोग पेमेंट वाली एंट्री करते हैं। जितनी भी रिसिप्ट होती हैं सभी हम लोग डेबिट साइड में एंट्री करते हैं और जितने भी पेमेंट होते हैं कैश पेमेंट सब हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। तो ये ट्रिक, इस क्वेश्चन को देखते हुए इस ट्रिक को अपनाना है और इस ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 अप्रैल 1997 यानी कि 1 अप्रैल 1997 कैश इन हैंड ₹1650। तो कैश इन हैंड ₹1650 कहने का मतलब ये है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस कैश का बचा हुआ है ₹1650। तो ₹1650 आपका कहीं खर्चा तो हो नहीं रहा है, वो आपके पास एज एसेट बचा हुआ है। इसलिए हम लोग इसको जो एंट्री करेंगे यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक में इसकी जो एंट्री करेंगे वो 1 अप्रैल 1997 लिखेंगे डेट में, और उसके बाद लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और रुपीज़ का जो कॉलम है उसमें हम लोग लिखेंगे 1650। ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है कैश का, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी ₹1650। दोस्तों, 2 अप्रैल को जो है कैश सेल्स हुआ है 16,000 का, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है। भाई, कैश आ रहा है तो हम रिसिप्ट कर रहे हैं। तो रिसिप्ट का मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताया था कि जब रिसिप्ट हम लोग करेंगे तो उसकी एंट्री हम लोग डेबिट साइड में करेंगे। तो टू सेल्स लिखेंगे 2 अप्रैल को, टू सेल्स लिखेंगे 16,000 अमाउंट, और इसमें आप चाहें तो नरेशन लिख सकते हैं बींग गुड सोल्ड फॉर कैश। दोस्तों, 3 अप्रैल को दिया हुआ है पेड चेक टू क्रेडिटर ₹3990 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ ₹210। तो कहने का मतलब यह है कि क्रेडिटर को हमने चेक का पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है। ठीक है भाई, क्रेडिटर को हमने चेक से पेमेंट किया, यहाँ पे कहीं भी कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इसको भूल जाइए, इसको कुछ करना ही नहीं है। फिर आप नेक्स्ट वाले जो डेट है यानी कि 4 अप्रैल को देखिए, वेजेस पेड इन कैश। अब यहाँ पे कैश की बात हो रही है, वेजेस पेड इन कैश यानी कि वेजेस का जो पेमेंट हो रहा है वो कैश से हो रहा है, और अमाउंट कितने हैं, ₹2250 का पेमेंट हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जितने भी पेमेंट होंगे उनको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बस सिंपल है, बाई वेजेस लिख दीजिए ₹2250 जो है वो रुपीज़ वाले कॉलम में लिखिए। फिर इसी तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर 4 अप्रैल को जो दिया हुआ है कैश सेल्स ₹18,000 ऑफ विच ₹15,000 वॉज बैंक्ड ऑन अप्रैल
सेवन। कहने का मतलब यह है कि कैश सेल हुआ है 18,000 रुपये का और बैंक में डिपॉजिट किया गया है पैसा 15,000 रुपया। 15,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट हुआ है और कैश सेल जो हुआ है वो 18,000 का है। तो क्वेश्चन देखिए और समझ जाइए कि भाई करना क्या है। कैश जब हमारे पास आ रहा है, रिसिप्ट है, टू सेल्स लिख दीजिए, 4 अप्रैल को टू सेल्स लिखिए, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश लिख दीजिए 18,000 रुपया। फिर कैश जा रहा है, या तो पेमेंट हो रहा है, भाई पेमेंट ही हो रहा है एक तरह से, कहने का मतलब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश मेरे से जा रहा है। तो पेमेंट का एंट्री जो मैंने बताया था आपको कि पेमेंट की एंट्री हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे, तो बाई बैंक लिखेंगे, क्योंकि कैश हमारा कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, इसलिए लिखेंगे बाई बैंक ₹15,000। तो 15,000 आप नरेशन लिख सकते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये दिखाने के लिए हम लोग नरेशन लिखते हैं कि कहीं मतलब कि हमको ये समझ में आ जाए कि भाई हमने कैश कहाँ भेजा है। फिर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 9 अप्रैल पेड कैश टू TCI ₹420 अगेंस्ट देयर बिल नंबर 64। यानी कि TCI का पेमेंट हुआ है, कितने रुपीज़ का है, 420 का, और बिल नंबर क्या है, 64 बिल नंबर के अगेंस्ट में 420 का पेमेंट हुआ है। तो आप मतलब सिंपल है कि भाई पेमेंट की एंट्री हम लोग क्रेडिट साइड में करते हैं, तो बाई TCI ₹420 और नरेशन में लिख दीजिए अगेंस्ट बिल नंबर 64, ठीक है। फिर 11 अप्रैल को दिया हुआ है पेड वेजेस इन कैश ₹2,850, यानी कि वेजेस का पेमेंट हुआ है ₹2,850 का। भाई सिंपल है, जब पेमेंट की एंट्री हुई है बाई क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट में लिख दीजिए बाई वेजेस कितने का है, 2,850 लिख दीजिए। उसके बाद 15 अप्रैल को दिया हुआ है कैश सेल्स ₹15,000 ऑफ विच ₹12,000 वाज बैंक ऑन अप्रैल 16। तो कहने का मतलब यह है कि 15 तारीख को कैश सेल्स हुआ है और बैंक में जमा हुआ है 16 अप्रैल को 12,000 रुपया। तो कैश सेल की एंट्री करनी है कहाँ करनी है, डेबिट साइड में, यानी कि कैश मेरे पास आ रहा है तो लिख दीजिए टू सेल्स 15 अप्रैल को और उसका नरेशन आप लिख दीजिए बिंग गुड सोल्ड फॉर कैश। और उसके बाद जो 12,000 रुपया की जो एंट्री करनी है वो करनी है क्रेडिट साइड में, क्योंकि पेमेंट हुआ है, यानी कि बैंक में डिपॉजिट हम लोग किए हुए हैं। तो इसकी एंट्री जो हम लोग करेंगे बाई बैंक लिखेंगे, क्योंकि कैश जो जा रहा है वो बैंक में जा रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक। तो कितना अमाउंट है, 12,000। तो 12,000 आप लिख दीजिए और नरेशन लिख सकते हैं कि कैश पेड इनटू बैंक लिख सकते हैं। फिर ये देखिए 17 अप्रैल को दिया हुआ है पेड क्लीनर इन कैश ₹360, यानी कि क्लीनर का पेमेंट हुआ है ₹360 का, और ये कब हुआ है, 17 अप्रैल को हुआ है। तो भाई जहाँ पे आप देखिए पेमेंट की एंट्री है, बस कुछ नहीं करना है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस बाई और क्लीनर, क्लीनर जो रिलेटेड होता है वो ऑफिस से रिलेटेड होता है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं बाई ऑफिस एक्सपेंसेस ₹360, ठीक है। फिर 19 अप्रैल को देखिए कैश सेल्स लिखा हुआ है, कैश सेल्स का मतलब यह है कि भाई मेरे पास कैश आ रहा है, रिसिप्ट कर रहे हैं हम, तो टू सेल्स लिख दीजिए। 19 तारीख को लिखे टू सेल्स और कितने का है, 11,400 का, तो 11,400 रुपया लिख दीजिए डेबिट साइड में। फिर ये देखिए कि 21 अप्रैल को दिया हुआ है पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग ₹180। तो विंडो क्लीनिंग जो है वो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो आप लिख दीजिए बाई ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि 21 अप्रैल को बाई ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दीजिए ₹180 का, ठीक है। फिर आगे देखिए 25 अप्रैल को दिया हुआ है पेड वेजेस इन कैश ₹2,400, पेड कैश फॉर रेट्स ₹3,600, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि वेजेस का पेमेंट हुआ है ₹2,400 और रेट्स का पेमेंट हुआ है ₹3,600। तो आप 25 तारीख को जो है, 25 तारीख को आप इसकी एंट्री कीजिए बाई वेजेस अकाउंट ₹2,400, फिर लिखिए बाई रेट्स ₹3,600। फिर देखिए 26 अप्रैल को है कैश सेल्स, भाई कैश सेल्स की बात है तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, टू सेल्स लिखेंगे, क्योंकि रिसिप्ट की पेमेंट हम डेबिट साइड करते हैं और पेमेंट की एंट्री क्रेडिट साइड करते हैं, इसलिए टू सेल्स लिखेंगे। कितने का है, 19,200 का है। फिर 29 अप्रैल को है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हुआ है कैश से ₹900 का, तो ₹900 का पेमेंट हुआ है, बस लिख दीजिए 29 अप्रैल को बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ₹900। फिर ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 अप्रैल कैश कलेक्टेड फ्रॉम एक्स डेप्टर ₹4,500 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹200। तो एक्स जो डेटर्स है हमारा, जो डेटर्स है, तो उससे
हमको रिसीव हो रहा है कितना, 4,500 रुपया आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ ₹200, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद हमको मिल रहा है, ठीक है। तो वो 200 आप बोल जाइए, क्योंकि आपको जो एक्चुअल फिगर कितना मिल रहा है, 4,500 रुपया। तो ये 4,500 किससे मिल रहा है, जो एक्स है, जो एक्स है उससे हमको मिल रहा है, और एक्स कौन है, डेटर है। तो भाई लिख दीजिए 2X account 4,500 30 अप्रैल के डेट में, और नरेशन लिख दीजिए बिंग कैश कलेक्टेड आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ ₹200। फिर उसके बाद जो है दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट आप टैली कीजिए, तो जिसमें देखिए कि अगर ज़्यादा हो, जहाँ वैसे ज़्यादा डेबिट साइड में ही एक्चुअली होता है जनरली, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, तो देखते हैं कि डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा है। तो डेबिट साइड का बैलेंस कितना है, 85,750, यानी कि 85,750 रुपये का है। तो जितना डेबिट साइड में बैलेंस आया है इतना ही आप क्रेडिट साइड में डाल दीजिए, 85,750 रुपया। और जो बैलेंसिंग फिगर जो होता है उसको हम लोग मतलब कि मंथ के लास्ट में, यानी कि 30 अप्रैल को हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, जितना अमाउंट आएगा 45,790 आएगा, तो 45,790 बाय बैलेंस सीडी करेंगे। और यही जो होता है फिर नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो हम लोग एक महीना का बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का ये लास्ट यहीं तक होगा, यानी कि बाय बैलेंस सीडी हम लोग कर देंगे 45,790 रुपया। तो यहीं आपका कैश बुक जो है वो क्लोज होता है। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।